पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, कल क्या बतलाया है? कल बतला दिया गया गुणों के अनुसार गति कि सत्वगुण बढ़ा हो तब देवलोक आदि की प्राप्ति होती है, तब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो देवलोक की प्राप्ति, और रजोगुण बढ़ा हो तब ये जीवात्मा शरीर का परित्याग करता है तब उसको मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है शीघ्र ही, और तमोगुण की अभिवृद्धि होने पर जब शरीर छोड़ता है तो पशु पक्षी आदि विवेक विहीन योनि में ये जाता है। ये बतला दिया। अब क्या बतलाते हैं? तो ये बतला दिया कर्तृत्व जो है वो किस में है? गुणों में कर्तृत्व और भोक्तृत्व और क्रिया कर्म ये सब किस में है? गुणों में ही, प्रकृति में है, आत्मा में नहीं है। इस बात को समझाने के लिए आरंभ करते हैं 19वां श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं स अधिगच्छति। समझो जी, कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आंखें खोल कर समझने का प्रयास करो। बुद्धि के नेत्र खोल करके प्रयास करो। क्या समझा रहे? जो आपने अब तक समझा, जाना, सोचा, माना, उससे बिल्कुल अलग वास्तविक सिद्धांत है। सच्चाई बिल्कुल अलग है। जिसमें व्यक्ति रहता है, जन्म लेता है, सीखता है, समझता है, सुनता है, जानता है, मानता है, उससे बिल्कुल उलट, उससे बिल्कुल उलट ही सच्चाई है। क्या सच्चाई है? बड़ी विलक्षण बात। और इस बात को समझ ले तो क्या हो जाए? तो ये जो अनवरत चलने वाला चक्र है, कभी ना रुकने वाला, ये जो जन्म मृत्यु का, जरा व्याधि का,
सुख दुख शोक मोह भय चिंता क्लेश अशांति का चलने वाला जो निरंतर चक्री है, समस्या एक समाप्त होती है समाप्त हो जाती है, दूसरी नहीं आती क्या है? फिर वो समाप्त होती है तो है? फिर वो समाप्त होती है तो यही चल रहा है ना, चक्री ही है ना निरंतर। बताइए क्या विलक्षण बात बतला। तो देखिए क्या कहते हैं, गुणे व्यह अन्यम यदा, यदा माने जब, दृष्टा जो दृष्टा है, जो दृष्टा है साक्षी चेतन, यही जो जीव है यही जान रहा है ना। तो जब यदा माने जिस समय दृष्टा जो है गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, गुणों के अलावा अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है, गुणों से भिन्न अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता। कौन करता है? गुण ही करता है। कौन करता है? गुण ही करता है। ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण से क्या? ज्ञान। रजोगुण से क्या? प्रवृत्ति। तमोगुण से क्या? प्रमाद, अविवेक, आलस। किससे हुआ? गुण से हुआ ना। जब सत्व गुण की अभिवृद्धि रही तब क्या हुआ? ज्ञान होता है। सही सही है? रजोगुण की वृद्धि हो तब प्रवृत्ति। हर समय क्या? प्रवृत्ति, हर समय कुछ ना कुछ करना, चेष्टा। तमोगुण होता है तो तब क्या? तब आलस्य, प्रमाद, अविवेक, मूढ़ता, क्रोध आदि, निद्रा आदि। ये तो कब होते हैं? तमोगुण। मतलब सत्व गुण का अभिप्राय है एक तरह से बैठना, प्रसन्नचित हो करके बैठ। रजोगुण का काम है दौड़ना, दौड़ाना। रजोगुण क्या करता है? और तमोगुण क्या करता है? पड़ जाना। क्या बताया था ना कल? सत्वगुण का मतलब है स्वस्थ चित्त, प्रसन्न चित्त हो करके बैठ। इंद्रिया शरीर मन क्या है? प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त, शांत बैठना, ये सत्वगुण। रजोगुण दौड़ना, हर समय करना चेष्टा, ये क्या है? रजो। और तमोगुण क्या है? पड़े रहना। क्यों मैनपाल सिंह? तमोगुण मतलब पड़े रहना, ठीक है ना? इसलिए पड़ा नहीं रहना, नहीं तो लोग कहेंगे तो तमोगुण ही है, है? समझ आया? तो अब हुआ क्या? गुणों से ही हो रहा है ना। जब आपके अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता होती है तो सत्संग, भजन, सेवा, सत्कर्म आदि में रुचि होती है। रजोगुण होता है तो प्रवृत्ति, लोभ है, कर्मों का आरंभ स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, ये कब होता है? रजोगुण। और तमोगुण हो तो वही क्रोध, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, अविवेक। तो तीन सब सब किसके द्वारा हुए? गुणों के द्वारा हुए। सब कुछ किसके द्वारा? गुणों के द्वारा। इसी बात को बतलाते हैं, यदा दृष्टा, जिस समय जो दृष्टा है आत्मा साक्षी, क्या समझता है, क्या जानता है? गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न, गुणों के से भिन्न, अन्यम माने भिन्न, दूसरा, कर्तारम न, कोई कर्ता नहीं है।
गुण ही करता है। आप क्या मानते हो? अपने आप को करता मानते हैं, किसको करता मानते हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्ये, मैं करता हूँ जबकि आप करता नहीं। बस अभिमान कर, जैसे पलक झपक रही है निरंतर, आप तो नहीं कर रही, और ना आप इसको, आपको ये अभिमान है कि मैं कर रहा हूँ, पलक कौन झपक रहा है, मैं झपक रहा हूँ, ऐसा अभिमान है आपको है? ये बात अलग है कि आपने ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तब क्या कहते हो? मैंने रखा, मैंने किया, जबकि इतने काम हो रहे हैं निरंतर। मैंने आपको बताया था हृदय निरंतर खून को पंप कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है ये बताते हैं कि इतनी असंख्य कोशिकाएं है, इतनी नाड़ियां है, बताया था ना आपको कि सारी पृथ्वी को लपेटा जा सके एक शरीर में, और वहां पर एक एक कोने में रक्त को पहुंचाना 24 घंटे बिना थके बिना रुके लगा हुआ है ना हृदय पंप करने, लेकिन उसके अंदर कर्तृत्व अभिमान है। ऐसे ही काम तो हुआ हाथ से, काम किससे हुआ? इंद्रियों से हुआ ना, लेकिन आप क्या करते हो? मैं करता हूं। चला कौन? किसके द्वारा? पैर चले, इंद्रिया चली ना, लेकिन पाद रूप इंद्रिया, लेकिन आप कहते हो मैं चला। दौड़ा कौन? पैर, कहते मैं दौड़ा। बैठा कौन? शरीर, मैं बैठा। तो ये क्या कर लेता है? तादात्म्य से उसमें क्या कर लेता है? अहम बुद्धि कर, अहंकार कर। यदि ये बात समझ ले, समझना ही तो है, ये सब बातें समझ आ जाए, जो अभी अंधकार अज्ञान है, अंधेरे के कारण से ठीक ठीक नहीं दिख रहा है, तो कभी पैर जो है कीचड़ में पड़ता है, कभी गंदगी पर, कभी खड्डे पर, कभी ठोकर, कभी टकराना, और यदि प्रकाश हो तो ना कीचड़ पे पड़े, ना गंदगी पे पड़े, ना कहीं टकराए, ना कहीं भिड़े, ना कहीं ठोकर लगे, केवल प्रकाश क्यों नहीं, केवल तो ज्ञान की तो इतनी महिमा। अज्ञान में सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, और ज्ञान हो तो अब जैसे किसी ज्ञान ना हो, दाल भी रख दो ला के, जिसने बना बनाया खाया हो है, कभी बनाया ना हो, दाल भी रखी है, चावल भी रखे, आटा नमक मसाले वसाले चूल्हा वूल्हा सब कुछ है, बर्तन आदि सब तैयार है, लेकिन अब वो कभी कभी दाल को देखता है, कभी चावल को देखता है, कभी उसको देखता है, उसकी समझ में ही नहीं आता कि उसको पता ही कुछ नहीं है। और ज्ञान हो तो ये माइयाँ जो हैं यों झटपट झटपट कर देती है, लो जी थोड़ी सी देर में कई तरह के व्यंजन उपस्थित है, तो ज्ञान से ही तो। और ज्ञान ना हो तो सब कुछ होते हुए भी हीरा पड़ा है, ज्ञान नहीं है तो कंगाल है ना, और ज्ञान हो तो धनी है, तो सब ज्ञान की महिमा है। यदि व्यक्ति ज्ञान हो ना, समझ ले ना चीजों को, अध्यात्म को समझ ले कि क्या है, तो ये तो सब कुछ सरल हो ही जाता है, इस शरीर में इस जीवन में ही मुक्त हो जाता है, शरीर रहते रहते ही मुक्ति को अनुभव करता है, और शरीर छूटने के बाद तो मुक्त है ही है, शरीर रहते रहते, और जो शरीर रहते मुक्त है वही शरीर छूटने के बाद भी मुक्त है, शरीर छूटने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, जो शरीर रहते रहते ही मुक्त है, ज्ञान है, निश्चिंत है, निर्भय है, साक्षी भाव में है, आत्म भाव में है, वो समस्त व्यवहार करते हुए कर्म करते हुए भी क्या है? मुक्त है। तो बताइए सब किसकी महिमा है? ज्ञान की महिमा है ना, ज्ञान की बड़ी महिमा, छोटी और बहुत छोटी छोटी सी बातें समझ में आ जाए, बहुत छोटी छोटी बातें प्रारब्ध को समझ में आ जाए, तो फिर किसी से द्वेष नहीं होगा, घृणा नहीं करेगा, शत्रु भाव नहीं रखेगा, दुखी नहीं होगा, परेशान, भाई ये तो मेरे इस शरीर का प्रारब्ध था, कर्म था,
जो भी सुख मिला, जो भी दुख मिला, जो भी संयोग हुआ, वियोग हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, ये सब क्या है? ये तो प्रारब्ध है। निश्चिंत रहेगा आदमी, अपना कर्म करेगा, पुरुषार्थ करेगा, निश्चिंत रहेगा। रोने से ये तो है नहीं चीज़ें बदल जाएंगी या बदला जा सकता है, निश्चिंत रहे। आधे से ज़्यादा तो शांति तब आ गई। तो बाकी और ये रहस्यों को समझ लें कि वास्तव में गुण ही करता है, प्रकृति ही कर्ता, प्रकृति ही कर्म और क्रिया, प्रकृति ही फल और प्रकृति ही उसका भोगता। आत्मा में ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व। आत्मा में है क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व? किसमें? सब प्रकृति में ही मान, क्योंकि चिदाभास क्या है? उपाधिक है ना, अविद्या में स्थित हुआ हुआ ही तो ये कर्म फल का कर्ता भोगता मानता है, अन्यथा तो स्वरूप से तो आत्मा क्या है? अकर्ता भोगता है। और प्रकृति भी जड़ होने से न करता है न भोगता है। ये सब का सब किससे होता है? सत्ता से। आत्मा की सत्ता होने पर ही अविद्या से आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भासता है। और प्रकृति जड़ है, ये भी कोई कर्ता नहीं है, ना ये कोई भोगता ही है। सत्ता किसकी? आत्मा की सत्ता। जैसे अंधेरा हो तो अंधेरे में किसी चीज को, पुस्तक चाहिए आप, तो पुस्तक को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए ना, है? लेकिन प्रकाश को देखने के लिए क्या चाहिए? है जी, अब सूर्य का प्रकाश है, इसको देखने के लिए आपको दीपक चाहिए, टॉर्च चाहिए, क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश है ना। लेकिन ये पुस्तक है, इसको देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए ना। चाहे दीपक का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, इसको देखने के लिए क्या चाहिए? लेकिन सूर्य को प्रकाश देखने के लिए कुछ जरूरत है। तो वैसे ही आत्मा को देखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मन आदि, लेकिन बाकी ये जो दृश्य है इसको देखने के लिए मन की आवश्यकता है। स्वयं जो स्वयं, तो इसलिए इस बात को समझे कि वास्तव में आत्मा में स्वरूप से कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं, ये तो अविद्या से अपने में भास रहा। किससे भास रहा है? अविद्या से। कोई व्यक्ति आया दौड़ा दौड़ा और कहने लगा, जी आपकी वो जो जगह है ना खेत, और उसमें पशु घुस गए। व्यक्ति गया दौड़ा दौड़ा और कहने लगा, भाई पशु जो घुसे ना, मेरा खेत नहीं है ये। तो क्या हुआ? जैसे ही ज्ञान हुआ कि ये मेरा खेत नहीं है, ये तो दूसरे के खेत में घुसे है, तो वो शांत हो गया ना, प्रसन्न हो गया ना, निश्चिंत हो गया। तो वैसे ही ये बात जब समझ ले कि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रम से, अज्ञान से है, जब ज्ञान हो गया, समझ लिया कि मेरा नहीं है, मेरे में नहीं घुसे, किसके में घुसे? दूसरे के में घुसे, तो फिर वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत तो हो जाता है। तो वैसे ही जब सही जाने, जब तक नहीं जाना सही, तब तक क्या रहता है? भ्रम, भय, अशांति बनी रहती है। और जब वहाँ पहुँच, हो सकता है भाई मेरे वाले में घुसे हो सकता है मेरे वाले में ना घुसे हो, भय रहता है ना, अनिश्चिंतता रहती। और वहाँ पहुँच गया तो साफ साफ दिख गया कि हमारे वाले में। तो वैसे ही
जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक क्या है, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भासता है, मानता है। आत्मा का ज्ञान हो गया कि आत्मा तो मुक्त रूप है, चेतन है, साक्षी परमानंद है। सही सही जब ज्ञान हो गया और ये प्रकृति के गुणों को भी जान लिया कि गुण ही वास्तव में करता है, आत्मा में कर्तृत्व मात्र अध्यास से था और अध्यास का कारण है आत्मा का अज्ञान। इस बात को समझ ले कितना सरल है अध्यास, तो फिर क्या हो जाता है, निर्भय निश्चिंत निर्बंध मुक्त। ये रहस्य है, तो समझो क्या कह रहे हैं। यदा माने जिस समय दृष्टा, जो दृष्टा है गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति, गुणों से भिन्न अन्य को कर्ता नहीं देखता है। पीछे क्या समझा दिया है, गुण ही करता है। क्या समझाया, गुण ही करता है। तो गुणों के अलावा जो अन्य किसको करता मानता था, आत्मा को मानता है। किसको करता मानता था, अपने को करता मानता था। तो अब क्या देखता है, गुण करता है। जब ऐसा जानता है गुणे व्यः च परम वेत्ति, और चा माने और, गुणे व्यः गुणों से भिन्न परम वेत्ति, जो परमात्मा है आत्मा है उसको जान। गुणों से भिन्न, अभी क्या है ये शरीर, क्या है गुण, ये इंद्रिया क्या है, इनके साथ क्या कर लेता है मैं। गुणेभ्यः च परम वेत्ति, गुणों से भिन्न परम वेत्ति, अपने को जो जानता, परम परमात्मा को जो जानता, गुण करता है, गुणों के अलावा आत्मा करता नहीं, और आत्मा गुणों से क्या है, परम है, श्रेष्ठ है, भिन्न है, अलग है। गुणेभ्यः परम आत्मानं वेत्ति, गुणों से परे आत्मा को देखता है। स वह मद्भावं अधिगच्छति, वो मेरे को ही, मेरे भाव को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है, परमात्म रूप हो जाता है, अर्थात परमात्मा। इतना सौभाग्य है इस ज्ञान को श्रवण करना, कितना सौभाग्य। जो वस्तु कोई नहीं दे सकता संसार में, वो वस्तु ज्ञान से मिलता है, इस ब्रह्म ज्ञान से, इस आत्मज्ञान से। जो धन भी नहीं दे सकता, पद प्रतिष्ठा है, परिवार मकान दुकान संपदा संपत्ति, जो हमें शांति निश्चिंतता मुक्ति शाश्वत आनंद नहीं दे सकते, वो ये ज्ञान नहीं देता। फिर निर्भार निर्बोझ होकर के जगत में समस्त व्यवहार करता है, जनक आदि की तरह, राजा शिखर ध्वज की तरह है। राजा थे लेकिन फिर भी क्या थे, ब्रह्मनिष्ठ थे ना। राजा होते हुए यथा योग्य दंड, दुष्टों को दंड देते हुए, प्रजा पर अनुग्रह करते हुए
फिर भी क्या थे वो ब्रह्म यथार्थ को जान लिया, यथार्थ को समझ लिया कि गुण करता है, गुण ही करता है गुणों के अलावा। जो अब तक हम मानते थे कि मैं करता हूँ इसलिए बंधते थे, तो मैं करता गुण ही करता, ये सब बातें बुद्धि में क्या स्थिर करने की, ये सब बात बुद्धि में टिकाने की है निरंतर। कितनी बातें खोपड़ी में भरी हुई है, जो भरने लायक बात है छोटी सी बात उसको भरतनी, बहुत बातें भर रखी है खोपड़ी में, क्योंकि अभी इस ज्ञान की महिमा का नहीं पता। ये बात पकड़ के रखें तो सब सरल ही सरल, सब आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। समझ आ गया इसका बात। और गुणों से भिन्न परमात्मा को जानता है, आत्मा को गुणों से भिन्न जो जानता है, ऐसा जो दृष्टा है मदभावम अधिगच्छति, मेरे भाव को अर्थात वो ब्रह्म रूप अधिगच्छति हो जाता है, प्राप्त वो जीवन मुक्त है, शरीर रहते रहते वो परमात्म रूप जिसका ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ब्रह्म रूप है परमात्म रूप है, ऐसा निश्चय, ऐसा जिसकी निरंतर अनुभूति बनी हुई है वो क्या है, समस्त शरीर किसी भी स्थिति परिस्थिति में पड़ा हो तो भी, समझ आ गया। आगे देख, और फिर आपको बताया हुआ है, ज़्यादा व्याख्या का समय नहीं है, बताया हुआ है ऋषभ देव जी का कि ऋषभ देव जी इतने बड़े भूमंडल के साम्राज्य के अधिपति होते हुए और इस ब्रह्म निष्ठा में विराजमान हो गए, कोई मतलब ही नहीं है, जगत का ज्ञान और भान ही नहीं रहा है, समझे ऋषभ देव जी है? जैन के वो रहे ना, प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं जैनी लोग है? ब्रह्म ज्ञानी हुए ऋषभ देव, तभी तो सब जैनियों ने प्रथम तीर्थंकर माना है, तो देखो जी आगे वाला इसको। गुणानेतानतीत्यत्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणान एतान अतित्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखही विमुक्तः अमृतम अश्नुते। एतान त्रीन गुणान अतीत्य, इन तीन गुणों को अतीत्य माने अतिक्रमण कर, क्या तीनों गुणों को समझ लिया कि ये तीन गुण अलग हैं और मैं इनका साक्षी अलग हूँ, यही क्या है, यही गुणों का अतिक्रमण करना, इनको पार कर जाना, इनको क्या है पार कर जाना। एतान त्रीन गुणान अतीत्य, जो क्या है देह समुद्भवान, देह की उत्पत्ति में हेतु है,
शरीर की प्राप्ति में कारण कौन है? गुण है ना। अभी सत्गुण होगा तो देव योनि की प्राप्ति, रजोगुण होगा तो मनुष्य योनि की प्राप्ति, तमोगुण हो तो पशु योनि की प्राप्ति। तो ये जो शरीर प्राप्त हुए किससे प्राप्त हुए? गुणों से हुए ना। तो देह समुद्भवान, देह को उत्पन्न करने वाले एतान त्रीन गुणान, इन तीन गुणों को अतित्य अतिक्रमण करके देही माने जो आत्मा, देही माने वह जो जीवात्मा, वह जो जीवात्मा है, जन्म मृत्यु जरा दुख ही, जन्म मृत्यु जरा, इन जन्म दुख मृत्यु दुख जरा दुख से विमुक्त हो करके अमृतम अश्नुते, क्या होता है? अमृत तत्व को प्राप्त करता है। क्या करता है? अमृत तत्व को प्राप्त, समझ आए? जन्म किसका? शरीर। मृत्यु किसकी? जरा किसकी? तो देख लिया ये जन्म मृत्यु जरा इस शरीर के है, इसके हैं शरीर के। आत्मा का तो जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं, आत्मा का बुढ़ापा नहीं, यही क्या है? यही तीन गुणों का अतिक्रमण करना, देह को उत्पन्न करने वाले इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके यह जो जीवात्मा है, जन्म मृत्यु जरा आदि दुखों से मुक्त होकर, क्या? जन्म मृत्यु और जरा बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर क्या करता है? अमृतत्वम अश्नुते, अमृत तत्व को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता, क्या कर लेता है? मोक्ष को प्राप्त। इस बात को ठीक ठीक समझ करके, विवेक करके, आत्मा अनात्मा का, प्रकृति पुरुष का, दृश्य दृष्टा, क्या करके? अलग अलग जान कर, दृष्टा कौन है? दृष्टा इस शरीर कौन दृष्टा है? आत्मा दृष्टा है ना, शरीर को भी देख रहे हैं, इंद्रियों को भी जान रहा है, मन बुद्धि प्राणों को भी जो जानता है, जो जानने वाला जो शेष रहे अंत में जो जानने वाला है वो क्या है? वो चेतन है, वही आत्मा। और वो जो चेतन है वो ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप, तो परमात्मा ही। इस प्रकार दोनों को जो भिन्न भिन्न जान लेना है, आत्मा अनात्मा को, जड़ चेतन को, दृश्य दृष्टा को, प्रकृति पुरुष को, आपकी बुद्धि की परीक्षा है केवल। तो सूक्ष्म बुद्धि वाला है वही तो इस रहस्य को जान सकता है, जिसकी बुद्धि परिमार्जित है, संस्कृत है, विशुद्ध है, वही क्या कर सकता है? इस को अलग अलग देख सकता है। अब एक के आगे रख दिया, दिखता है नहीं, चावल और दाल मिले हुए रख दिए, वो कहेगा भाई ये तो क्या है, एक ही तो है, है? दिखता नहीं, विवेक नहीं है ना उसको। और या जैसे बंदर के सामने कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हाँ बंदर को क्या पता है? तो वही बात है। तो अज्ञानी क्या जाने आत्मा अनात्मा, अज्ञानी क्या जानता है? वो तो अनात्मा को ही आत्मा मानता है, अनात्मा को ही आत्मा मानता है अज्ञानी,
शरीर को ही आत्मा मानता है, इंद्रियों को ही मैं मानता है, प्राण को, मन को, बुद्धि को, जीवत्व को ही मैं मानता है, जबकि चेतन आत्मा अलग है, जो मैं है वास्तव, उस मैं को खोज लो तो फिर क्या हो गया, मुक्त हो गया। ऋषि को बतलाया है कि तीन देह को उत्पन्न करने वाले इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके यह जीवात्मा जन्म मृत्यु जरा के दुख से मुक्त होकर अमृतत्वम अस्मुते अमृतत्व को प्राप्त कर, ऐसा जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया तो इसको सुनकर के अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ा विलक्षण ज्ञान है, ये तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, प्रकृति पुरुष का ज्ञान, गुण और गुणों से भिन्न आत्मा का चेतन का ज्ञान, तो बड़ा विलक्षण बात है। और ये तो व्यक्ति खाली समझ लो और ये तो हर स्थिति में रहते हुए फिर वो मुक्ति ही है। तो जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसे जो ज्ञानी है, जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर गए हैं, तो उनका क्या चिन्ह है। तो ये सब इस बात को लेकर के अर्जुन प्रश्न करता है। सुनिए, अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानति वर्तते। कहि लिङ्गैः त्रीन् गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किम आचारः कथं च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। हे प्रभो, अर्जुन है, अर्जुन के जो संबोधन है ना वो बदल चुके हैं। पहले क्या बोलता था, वार्ष्णेय कृष्ण यादव, ऐसे संबोधन थे। अब क्या बोल रहे हैं, प्रभो जनार्दन परमेश्वर पुरुषोत्तम जगदीश्वरा। अब ये संबोधन हो गए, क्यों, क्योंकि जान अब तक तो अपने जैसा ही मानता था कि मेरे जैसा ही तो है, सिर्फ हमारे साथ खेलता है, खाता है, मौज उड़ाता है, हैं, हंसता है, मुस्कुराता है। अब समझ में आया, अरे ये तो जितना दिखता है उतना नहीं है, हैं, ये तो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है भाई, ये तो बड़ा ही ब्रह्म ज्ञानी है, बड़ा विलक्षण पुरुष है ये, संसार में रहता है, लड़ता है, झगड़ता है और मतलब कुछ नहीं है, हैं? इतने छल करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है, इतनी नीति और इतना मतलब सब छलादि करता है, लेकिन ये तो है बिल्कुल अलग, नहीं कमाल की बात है ना, हैं? उसको बड़ा आश्चर्य करते हैं ना, संसार में भी जो अच्छा अभिनय करे उसको क्या मानते हैं, प्रशंसा का पात्र होता है, कि जैसे कहीं पर गए वहाँ पर क्या थी, खूब अच्छा वो था, उत्सव था, तो वहाँ पर गए तो खूब अच्छे से उत्सव मनाया है, उसमें सम्मिलित हुए, बहुत बढ़िया भाई, बड़े प्रसन्न हुए। फिर दूसरी जगह गए जहाँ पर कोई मर गया था, हैं, कोई दुर्घटना हो गई थी, वहाँ पर गए तो वहाँ पर पूरा वैसा ही अभिनय किया, भाई इतने दुखी, भाई इतने परेशान, इतने हैं उदास हैं, तो पूरा सम्मिलित हुए। फिर उसके बाद दोनों जगह से चल दिए तो सब लोग कहते, भाई इसने कितना मतलब परिस्थिति अवस्था के अनुसार आपने कितना अच्छा अभिनय किया,
अब कहीं पर रोने की बात हो वहाँ पर जाके हंसने लग जाए, और कहीं पर हंसने की बात हो वहाँ जाके रोने लगे, उसको क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं ना। जहाँ हंसने की बात हो वहाँ पर हंसे, और जहाँ रोने की बात हो सब उसको सभ्य मानते हैं। उसको क्या मानेंगे कि भाई समय देश काल के अनुसार व्यवहार करने वाला है। और एक तो है देश, इसे कोई मतलब देश काल से मतलब नहीं है, है? ऐसा ही कहाँ हंसना है, कहाँ बोलना है, हैं, कहाँ चुप रहना है, तो इन सब बातों का इसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं। तो अब समझ गए श्री कृष्ण तो कमाल का प्राणी है, हमारे साथ खेला कूदा खाया पिया, नीतियाँ बना रहे हैं, चिंता भी की, उदास भी रहा, रोया भी, सब कुछ किया, लेकिन ये तो इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है। अब अर्जुन की समझ में आया है ना, जब से अर्जुन ने पहले गुरु बनाया है, श्री कृष्ण ने भी पहले नहीं बोला, जब अर्जुन की बुद्धि काम करनी क्या हो गई, बंद हो गए, कहने लगे जी आप ही बताओ समझाओ, मैं आपका शिष्य हूँ, ते अहम शिष्य त्वाम शरणम प्रपन्नम माम साधि, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरे को आप उपदेश करें। जब उतना समर्पण भाव विनम्रता श्रद्धा अर्जुन के मन में श्री कृष्ण के प्रति हुई, तब ही श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। उससे पहले श्री कृष्ण बोले तो है शुरू में, हैं, कहा भाई तेरे को कहाँ से आ गई ये कायरता, लेकिन एक मानवता के नाते बोले, एक शुभ चिंतक के नाते बोले, उतना बोलना तो जरूरी भी है कि कोई आपको ले गया हो और फिर उसको अचानक से कोई विपत्ति आ जाए या वो घबरा जाए, तो उसको हिम्मत देना, एक मानवता के नाते, एक सुहृद, एक मित्र के नाते कर्तव्य है। लेकिन उससे अधिक श्री कृष्ण नहीं बोले, इतना ही बोले कि नहीं क्या होगा, ऐसा आचरण तेरे को शोभा नहीं देता है, अरे तू वीर है, घबराता क्यों है, ये कायरता कहाँ से आ गई, इतना कहकर के चुप हो गए, इससे ज्यादा नहीं बोले, इतना तो बोलना चाहिए। लेकिन जब अर्जुन कहने लगा कि नहीं, अर्जुन के अंदर विवेक जगा है ना कि मेरे को जो शोक मोह है बड़ा ही कष्ट दे रहा है और मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, और धरती की तो छोड़ो, यदि मेरे को स्वर्ग लोक का भी अधिपत्य प्राप्त हो जाए तो भी मेरा ये शोक क्लेश दूर होने वाला, विवेक हुआ है ना, वैराग्य हुआ है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे को उपदेश कीजिए। तब श्री कृष्ण ने बोला, इसलिए संबोधन क्या बोला है, हे प्रभो आप तो क्या है, प्रकृष्ट रूपेण भवती इति प्रभु, जो प्रकृष्ट रूप से होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रभु। तो प्रकृष्ट रूप से ही तो है ना, जो अपने आप को अलग जानते हैं वो क्या है, प्रकृष्ट ही। किसी कई लोग कार्य को इतनी कुशलता, इतनी दक्षता से करते हैं, पता लगता है यहाँ भाई ये बड़ा उस कार्य में बड़ा पारंगत, बड़ा कुशल, भोजन भी बनाएंगे तो उनकी कुशलता दिखती है। एक तो ऐसा फैला दिया, गंदगी फैला दिया, हा? पता लगता है कि प्रेम का किया हुआ, कहीं कहीं धनिया पड़ा हो, कहीं थोड़ा आटा पड़ा रहे हो, हैं, कहीं कुछ और पड़ा हो, कहीं कुछ और पड़ा हो, तो पता लग जाता है। और एक व्यक्ति इतनी दक्षता से करता है, सब कुछ कर दिया और बिल्कुल साफ सुथरा, वो क्या है, वो दक्षता है ना, कुशलता है। तो वही श्री कृष्ण है, जिसने अपनी आत्मा को अलग जो जानता है, हैं, अकर्ता अभोक्ता रूप, वही प्रभु। हे प्रभो त्री एतान त्रीन गुणान अतीतः कैलिंग ही भवती, इन तीन गुणों से जो अतीत है
उनके कई लिंग ही भवती उनके क्या चिन्ह होते हैं, किन चिन्हों से वो युक्त होता है, समझ आए। एतान त्रीन गुणान अतीतः कई लिंग ही भवती, इन तीन गुणों से जो अतीत है उसके क्या चिन्ह होते हैं, किन चिन्हों से वो युक्त होते, कैसे पता लगे है? पता लगता है ना, जैसे कोई दंड लेता है कि दंडी है, रुद्राक्ष पहने हुए है और त्रिपुंड लगाए हुए है क्या सन्यासी है, और यो जो तुलसी की माला पहने हुए है, रेल की पटरी खड़ी की हुई है माथे पर, तो जिसके रेल की पटरी पड़ी हुई हो माथे पर वो तो क्या समझो है कि वो सन्यासी है, दस नामी सन्यासी। और जिसके रेल की पटरी खड़ी हुई हो तीन पटड़िया तो क्या समझो है कि भाई वो वैष्णव है, सबके भिन्न भिन्न चिन्ह है। एक और बोर्ड मोटा सा लगाते हैं लाल, ये कहते कहते ये देवी का है, ये देवियाँ लगाती है ना सब है? कहना देवी भी तू ही बनेगा, सारे बनेगा एक साथ ही, बड़ा मोटा लगा देखा होगा ना, बड़ा मोटा सा लगाते हैं यहाँ, फिर देवी के उपासक लाल चिन्ह लगाते हाँ, तो इस तरह। तो वैसे ही पूछ रहे क्या चिन्ह होते हैं उनके, तो ऐसे कोई चिन्ह नहीं होते। कभी आप ये समझते हो कि भाई तिलक होता है ऐसा हो या वैसा हो, या दंड हाथ में लियो एक दंडी हो या त्रिदंडी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। या माला मोटी मोटी हो, रुद्राक्ष की हो या तुलसी की हो, ऐसा कोई चिन्ह नहीं माना जाता है। उसके चिन्ह बतलाएंगे, जो सहनशील है, जो सुख दुख में शांत है, जो संतोषी है, बतलाएंगे। मान अपमान में जो सम बना रहता है, निंदा स्तुति में जो सम शांत बना रहता है, वो चिन्ह है। ये कोई चिन्ह नहीं है कभी ये तो दंड उठा लो, दंड उठाने में क्या लगता है, लेकिन वो दंड का मतलब क्या है, एक दंड पकड़ा हुआ है का मतलब क्या है, अपने मन को काबू में रखा हुआ है, वो चिन्ह है। वो बात अलग है, मन दौड़ रहा है डंडा पकड़ा हुआ है, और त्रिदंडी का मतलब क्या है, शरीर वाणी और मन तीनों को जिसने पकड़ा हुआ, दंड ले देखे आपने, दंडी नहीं देखे, दंडी होते हैं महात्मा, दंड रखते हैं, दंडी ही तो शंकराचार्य बनते हैं, दंडी स्वामी हाँ। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ चिन्ह नहीं होता है, या कोई और चिन्ह लगा लोगे, और इन चिन्हों की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं, एतान तीन गुणान अतीतः कई लिंगई भवती, इन तीन गुणों से जो अतीत है वो किन चिन्हों से युक्त होता है, अर्जुन पूछ रहा है। किमाचारः, और उसका आचरण कैसा हो, क्या उसका आचरण कैसा हो। कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, और इन तीन गुणों का अतिक्रमण कैसे होता है, इन तीन गुणों का अतिक्रमण किस प्रकार से होता है। कितने प्रश्न हुए, अरुणा जी सोचने में रह जाते हैं, कितने हुए, तीन हुए। बताओ पुस्तक में ले रही हूँ, उसने माई ने बता दिया, तीन गुणों से जो परे हो गया वो किन चिन्हों से युक्त होता है, पहला प्रश्न। उसका कैसा आचरण होता है, दूसरा प्रश्न। और तीन गुणों का, इन तीन गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाता है, ये क्या हुआ, तीनों के तीनों प्रश्न साधक के लिए अत्यंत उपयोगी। पहला प्रश्न देख करके ऐसे जो महात्मा है तो उनके प्रति क्या होगा, श्रद्धा होगी, क्या
क्या होगा? श्रद्धा होगी और साथ ही साथ हम उनके जैसा बनना चाहें, वो आदर्श है। वो क्या है? आदर्श होना, ये पहला। दूसरा, उनका आचरण कैसा होगा? तो वैसा आचरण करने का क्या करेंगे? प्रयत्न करेगा साधक, ऐसा आचरण करने का प्रयत्न करेगा। तीसरा, इन तीन गुणों का अतिक्रमण कैसे होता है, मतलब मैं कैसे इन तीन गुणों को पार कर जाऊं, मैं भी तीन गुणों से परे हूं, क्या साधन है, किस साधन का आश्रय लेने पर तीन गुणों से पार हो जाते हैं। जैसे नौका का आश्रय लेने पर नदी को सहजता से पार हो जाते हैं, वैसे ये तीनों प्रश्न साधक के लिए क्या है? अत्यंत उपयोगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तर दे रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या है, श्री भगवान वाचन ही बोला है, है? इसमें नहीं दिया। तो अब देखो जी आगे वाला श्लोक, श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहं एव च पांडव ना द्वेष्टि समप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, क्या संबोधन किया है? हे पांडु पुत्र अर्जुन, पांडु श्वेत, पांडु क्या? श्वेत पांडु हो गया, बतलाया था ना पहले भी, पांडु पीलिया हो गया, मतलब खून नहीं है, रक्त नहीं बन रहा है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको तो पीलिया बोलते हैं, लीवर का ठीक से काम न करना, रक्त रस रक्त आदि धातुओं का न बनना, तो इसलिए क्या हो जाता है, शरीर सफेद सफेद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि पीलिया हो गया, आँखों में क्या हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, कहते पीला पीला दिखता है उसको, ऐसा भी कुछ बताते हैं, मैं दिखता भी है, हैं ऐसा भी बताते हैं, पीला दिखता है थोड़ा सा, पीला वर्ण लिए हुए ही दिखती है हर चीज उसको, थोड़ा थोड़ा सा जैसा पी लिया। तो हे पांडव, पांडु को क्या था, पांडु रोग था ना, हाँ बचपन में ही मालताल खाया तो क्या हो गया, लीवर बैठ गया, है मालताल खाने से लीवर बैठ गया, अब वो फिर ठीक हुआ नहीं, फिर वो उठाए नहीं, फिर ठीक नहीं हुआ, चलो ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो डॉक्टर थोड़े ही है हम, लीवर का भी बता तो देंगे वैसे हम, हैं हाँ लीवर कहते अपने आप को अपने आप ठीक कर लेता है, यदि थोड़ा सा उसको समय दे दिया जाए तो लीवर जो है अपने को अपने आप ही ठीक कर देता है। तो हे पांडव, तो अर्जुन कैसा है तू? श्वेत हृदय वाला कैसा है? तेरा अंतःकरण निर्मल है, सफेद है, उसमें कालिमा नहीं है, अवगुण नहीं है, निर्दोष। हे पांडव, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च। प्रकाशम क्या है? सत्व गुण का कार्य क्या बतलाया था? प्रकाश। प्रवृत्तिम च रजोगुण का कार्य क्या बतलाया था? प्रवृत्ति।
मोहम एवा च और तमोगुण का कार्य क्या बतलाया था? मोहम क्या बतलाया था? इन तीनों के अपने में आने या चले जाने पर न द्वेष्टि सम प्रवृत्तानी, न द्वेष्टि सम प्रवृत्तानी, इनके सम प्रवृत्तानी माने प्रवृत्त सम्यक रूप से प्रवृत्त होने पर भी न द्वेष्टि, जो न तो द्वेष करता है और इनके आ जाने पर न निवृत्तानि कांक्षति और न इनकी निवृत्ति की ही आकांक्षा। साधक को क्या करना चाहिए है? रजोगुण तमोगुण को दबा करके, सभी की बात है ये, जो भी अपना भला चाहते हैं, रजोगुण तमोगुण को दबा करके सत्वगुण अधिक होना चाहिए। सत्वगुण होगा तो क्या होगा है? प्रसन्नता रहेगी, सत्कर्मों में प्रीति रहेगी, किसी का अहित नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा, तो उसका पतन नहीं होगा। उसका क्या है? पतन नहीं होगा ना, क्योंकि दूसरों का अहित करने में पतन किसका होता है? स्वयं का ही पतन होता है। तो जब सत्गुण होगा तो क्या होगा? किसी का अहित नहीं करेगा, सत्कर्म में लगेगा, इसमें लगेगा। इसलिए रजोगुण तमोगुण को दबाना चाहिए, सत्गुण बढ़े। उस सत्गुण कैसे बढ़ेगा वो पीछे बता दिया, आहार से। सत्गुण कैसे बढ़ेगा? जैसा आप खाते, खाने का मतलब केवल खाना नहीं, जो भी आप इंद्रियों से ग्रहण करते, तो इंद्रियों से जो भी ग्रहण करो, आँखों से सुंदर दर्शन, किसी संत के, किसी महापुरुष के, किसी त्यागी तपस्वी के दर्शन होंगे तो सात्विकता आती है ना हृदय में। शब्द भी यदि सुंदर शब्द हो, भजन हो, हैं, कीर्तन हो, तो अपने अंदर क्या आती है? और उसकी जगह शब्द गलत हो तो रजोगुण तमोगुण आ जाता है, नहीं आता है गाने बजे तो। तो वैसे जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण करते वही तो अंदर स्टोर होता है, वही इकट्ठा होता है हृदय में, अंतःकरण में। तो सात्विक आहार होना चाहिए। इंद्रियों से हम क्या करें? सात्विक जो दृश्य है, विषय है, उनका ही ग्रहण करें, उससे सात्विकता रहेगी अंतःकरण में। तो सात्विक कर्मों में प्रीति होगी, सेवा करने में, दूसरे का दुख दूर करने में, हैं, सहयोग करने में प्रवृत्ति होगी। जब सत्वगुण होता है तभी तो, जब रजोगुण तमोगुण होगा, स्वार्थ स्वार्थ में कैसे भी हो लूटा जाए, खसोटा जाए, अगला तो बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है, और जो वकील और डॉक्टर है वो बस उसी बात पर है कि पैसे कैसे निकाले जाए, पैसे कैसे निकाले जाए, पैसे कैसे बनाए जाए। तो उनके अंदर सात्विकता ही नहीं है कि उस पर थोड़ी दया करे बेचारे पर, हैं, थोड़ा उसको, उसके ऊपर कृपा करें, सहयोग करें, सेवा करें। वो भाव ही नहीं है, बड़े निर्दयी लोग होते हैं, हैं, दया ही नहीं आती है। तो क्या उनके अंदर रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है? बस मेरा स्वार्थ, मेरा स्वार्थ हो, दूसरा कोई मरता है, मरे मरे हुए के भी पैसे बनाते आजकल तो चलता ही। कितना पतन हो गया इस जीव का, है तो क्या ये, कितना शुद्ध है, और पतन कितना हो गया कि पशु से भी ज़्यादा नीच, ये पता नहीं है तुम्हें। तो यहाँ पर देखो क्या, तो मतलब सत्वगुण होना चाहिए, रजोगुण तमोगुण समाप्त तो हो जाए और सत्वगुण आपके अंतःकरण में हो साधक के लिए। लेकिन यहाँ ज्ञानी जो हो गया उसकी बात कर रहे, साधक की बात नहीं है। अब किसकी बात है यहाँ? ज्ञानी की बात। तो ज्ञानी के लिए बतलाया है कि सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति, तमोगुण का कार्य मोह, इनके प्रवृत्त होने पर
अर्थात इनके अंतःकरण में आ जाने पर जो ना द्वेष्टि, इनसे द्वेष नहीं करता, मतलब तमोगुण आ गया ज्ञानी के अंतःकरण में, प्रारब्ध से रजोगुण या तमोगुण आ गया है, तो वो इनसे क्या है द्वेष नहीं करता, वो देखता है, क्योंकि वो तो दोनों को देखने वाला है ना, वो तो अलग ही हो गया ज्ञानी, तो वो अंतःकरण को भी और अंतःकरण में आए हुए उस गुण को भी दोनों को देख रहा है। यदि हाँ जैसे आज सामान्य अज्ञानी व्यक्ति वो कहता है मैं बीमार हूँ, क्या कहता है, ज्ञानी देखता है शरीर है और शरीर में रोग है, क्या देख रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर रोगी है, देख रहा है शरीर को भी देख रहा है और उस रोग को भी देख रहा है, वैसे ही अंतःकरण को भी देख रहा है और अंतःकरण में आए हुए सत्गुण को भी देख रहा है, रजोगुण को भी देख रहा है और तमोगुण को भी देख रहा है, वो प्रभावित नहीं होता है क्योंकि तो ज्ञानी है, वो तो जो जानना था जो पाना था वो पा चुका है। साधक के लिए तो साधक तो क्या करेगा, जैसे ही रजोगुण तमोगुण आए उनसे पिंड छुटाना है, सत्गुण को बढ़ाना है, सदग्रंथ पढ़ने लग जाओ, कुछ भजन करने लग जाओ, अच्छी जगह पहुंच जाओ संगति में, रजोगुण तमोगुण आए तो हैं कुछ सात्विक करने सोचने लग जाओ, विचारने लग जाओ, जिससे कि रजोगुण तमोगुण भाग जाए दब जाए। लेकिन ज्ञानी की स्थिति अलग है क्योंकि वो तो तीनों को ही और जिसमें आ रहे उसको भी देखने वाले, तो ना द्वेष्टि सम प्रवृत्तानी, जो इनके सम्यक रूप से प्रवृत्त होने पर इनसे द्वेष नहीं था। ना निवृत्तानी कांक्षति, और ये नहीं चाहता कि भाई ये क्यों आ गया और इससे कैसे पिंड छुटाऊं तमोगुण से रजोगुण से, वो इसके लिए प्रयत्न साधक को करना चाहिए लेकिन ज्ञानी इसके लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो दोनों का ही दृष्टा है, तीनों रजो सद्गुण आया उसको भी देख रहा है, रजोगुण आया उसको भी देख रहा है, तमोगुण आया उसको भी देख रहा है। साधक की स्थिति अलग है, साधक मानता है अब मैं सतोगुणी हूँ, अब मैं रजोगुणी हूँ, अब मैं तमोगुणी, संसारी तो यही सोचता है, और ज्ञानी सत्गुण रजोगुण तमोगुण अंतःकरण में है मेरे में नहीं, मैं तो अलग ही। इस कारण से ना तो वो इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष करता और न इनकी निवृत्ति की ही आकांक्षा ही करता, इनके निवृत्त होने की आकांक्षा भी नहीं करता, वो तो मतलब सम है, शांत है, एक रस है, तटस्थ है, साक्षी, समझ आया, बिल्कुल असंग निर्लेप विराजमान। भगवान श्री कृष्ण ने ये क्या बतलाए, तीन प्रश्न जो अर्जुन ने किए हैं उनके ही उत्तर दे रहे, अर्थात जो निरंतर सम और शांत बना रहे, इच्छा या अनिच्छा जिसमें नहीं है, सब स्वीकार है, है? जो फूलों का गुलदस्ता है वो भी स्वीकार है और साथ ही साथ और कुछ अपमान आदि वो जूते की माला लाए वो भी स्वीकार, उसको क्या है, सभी स्वीकार है, स्वीकार अस्वीकार का भाव उसमें असंग, ये सब उसके लिए समझाने के लिए है, ये है अपनी आप में रहना, अपने आप में, अपनी आप शरीर में रहता है तो कहता है मेरा सम्मान हो गया, मेरा अपमान हो गया,
और आत्मा में रहता है तो सम्मान अपमान कुछ नहीं, उसकी दृष्टि में है ही। तो बस जी समय हो गया, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे और साथ ही साथ कल यह अध्याय भी पूरा हो जाएगा, हैं? बहुत लंबी यात्रा हो गया, चार ही अध्याय रह जाएंगे फिर, हैं? चलो ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः।